फाइनली ऑपरेशन दान भाई बहुत ही मुश्किल पहुंच चुका है बापू लोग देखो चिकन लॉलीपॉप आया है दोस्तों पहली बार जिंदगी में खाऊंगा मैं क्या कहा देंगे मासी कहा में देगा गैस में देगा और कहा में देगा गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम बैक टू द चैनल स्वागत है आप लोग का और एक नया ब्लॉग पहली बार तो हम लोगों ने जो दोस्त के रूम में रुका था ना वहां से आ गया ब्लॉग प्लास शुरू हो रहा है मासी का रूम से हम लोग मुंह धो के आ गया था वहां से तो अभी यहां से नाश्ता वगैरह करेंगे फिर मेरे को 9 बजे जाना है ऑपरेशन के लिए अगर वो दिन आ ही गया भाई जो जिस दिन का डर था मेरे को इंतजार कभी भी नहीं था डर था मेरे को भाई ये दिन आना ना पड़े वही दिन आए होता है ना लाइफ में एक्सपीरियंस होता है कि कल जैसे एक्सपीरियंस हुआ था हम लोगों को कि ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा था मेरे को एक बार भी मैं जेल नहीं गया था शायद मेरे को सोचा था तो मैं पहली बार होगा कल जेल में थोड़ा एक्सपीरियंस भी करना है तो अभी सुबह का नज़ारा दिखाता हूँ देखो एकदम यहाँ पे ना भाई यहाँ पे अगर हम लोग ना 2-3 महीने बार रह जाएंगे तो साल भर पकड़ो पूरा गोरा हो जाएंगे हम लोग इतना हवा मौसम इतना बढ़िया है हवा और यहाँ का लोगों का गर्मी लगता है भाई हर टाइम हवा हवा ही रहता है अभी देखो जो पत्ते पेड़ का पत्ते जो हिल रहा है देखो हवा से इतना हवा है और नज़ारा देखिए सबसे बड़ा खास बात तो दिल्ली में जो बोलते हैं हर ब्लॉग में जब भी लुंगले आता हूँ कि लुंगले का तो सुबह उठ के ही आप लोग धूप देखने के लिए मिलेगा ऐसा लगता है कि अभी 9-10 बज चुका है धूप से लेकिन अभी 7 बज चुका है भाई और आज का प्लान में थोड़ी देर में वीडियो वगैरह भी एडिट कर रहा हूँ आजकल बहुत मुश्किल हो गया वीडियो वगैरह एडिट करना पहली बार ना मैं वीडियो बनाने में टाइम देता ना उसे 2 गुना चार्ज लगाने में मेरा मोबाइल को चार्ज देना पड़ता है क्योंकि चार्ज वगैरह अभी नहीं लेता है उसका हिसाब से होगा तो लेगा उसका हिसाब से नहीं हुआ तो नहीं लेगा और स्विच ऑन करने से भी नहीं लेता है स्विच ऑफ करके देना पड़ता है फिर दोस्तों मैं रेडी हो चुका हूँ अभी जाना है टाइम आ चुका है ऑलमोस्ट 9 बजने वाला है और तो अभी जाएंगे मेरा ऑपरेशन के लिए अभी चलते हैं और बाद में मिलते हैं तब तक क्या टाइम लगता है उसमें तो वीडियो वगैरह बना नहीं पाऊंगा मैं फाइनली ऑपरेशन दान भाई बहुत ही मुश्किल था मैं इतना नॉर्मल सोचा था यार इतना पेन कर रहा था बाद में मेरे को पहले बार तो नाम का इंजेक्शन नहीं लगाया और बाद में मेरे को ये लोग ज़्यादा पेन कर रहा था उस टाइम तो नाम का इंजेक्शन लगाया भाई बहुत ही दर्द दे रहा था मैं सोचा थोड़ा सा है बहुत ज़्यादा है यार इतना बड़ा घाव करके ये लोग हड्डी को क्या क्या कर दिया मालूम नहीं है भाई इस साथ में प्रताप भाई को टैंक बोलना चाहूँगा ये साथ दे रहा है मेरे को और अभी जा रहे हैं हम लोग ऑपरेशन करने के बाद और कल से मेरे को ड्रेसिंग करना है भाई बहुत पेन है ये लोग शायद ये अंदर में रॉड वगैरह दिया क्या मैं सोच रहा हूँ भाई बहुत पेन का गोली लिया है मैंने अभी ऑटो से जाना अभी मैंने एप्पल लिया है दोस्तों और तरबूज भी खा रहा है और ये देखो 200 रुपया किलो 400 रुपया है एप्पल यहाँ पे और बहुत महंगा है भाई किलो 400 रुपया एप्पल क्योंकि एप्पल खाना ज़रूरी है मेरा बहुत सारा खून गया है अभी हम लोग ऑटो लिया है दोस्तों एक्चुअली ड्राइवर भाई ने बहुत देर तक रुका है हम लोग पैसा निकला तो अभी मासी का रूम पे पहुंच गया है दोस्तों पहले तो मैंने ऑपरेशन करने के बाद इतना थोड़ी देर बाद ऑपरेशन किया मैंने थोड़ी देर 10-15 मिनट इतना पेन नहीं किया था उसके बाद पेन शुरू होना हो गया भाई पूरा हाथ गिर जाएगा ऐसा लग रहा है पूरा जान निकल जाएगा इतना पेन कर रहा था बाद में हम लोग और एक्सरे किया एक्सरे करने के बाद और रिजल्ट देखे डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला एक्सरे कर देगा तो कल से मेरा ड्रेसिंग होगा कल या थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन ड्रेसिंग हुआ उसके बाद चेकअप होगा मेरा और यहाँ पे ही रहना पड़ेगा कुछ दिन भाई बहुत ही मुश्किल था लाइफ में बहुत ही मतलब खराब बोलूँगा मैं एक्सपीरियंस है ये पहली बार भाई इतना बड़ा मैंने ऑपरेशन हो गया बहुत बड़ा था भाई इतना देखने से छोटा था गाँव लेकिन ऑपरेशन तो बड़ा था इतना पेन करता बाद में पहले तो इन लोगों ने नाम का इंजेक्शन भी नहीं मारा था बाद में मैं ज़्यादा आवाज़ दे रहा हूँ ना आवाज़ कर रहा हूँ तो बाद में मारा है इन लोगों को नाम का इंजेक्शन तो इंजीन से क्या क्या कर मेरे ख्याल से ये इसका अंदर रॉड डाल दिया इन लोगों ने कैसे क्या किया है और डॉक्टर बोल रहा था मेरे को देखो भाई मेरे को इतना पेन कर रहा था मैं ऊपर से पेन कर रहा था और मैं कहाँ देख पाता डॉक्टर बोल रहा है नहीं पेन नहीं होगा ऐसे बोल रहा क्या करें और प्रताप भाई तो चला गया थैंक यू बोलना चाहूँगा प्रताप भाई को इतना साथ दिया है मेरे को और ये लोग तो मेरा स्कूटी में चला जा रहा है संजीत भाई और प्रताप भाई और मेरे को यहाँ पे बहुत दिन रुकना है भाई बहुत दिन जब तक ये ठीक नहीं होता ड्रेसिंग होगा चेकअप होगा उसके बाद जाओ क्लियर करके और मनोज का मम्मी भी कल आ रहा है उसके लिए टिकट लिया है मैंने दोस्तों गुड मॉर्निंग गाइस आज हो चुका है नेक्स्ट डे तो एक्चुअली मैंने कल ब्लॉग को कंटिन्यू कर नहीं पाया इतना मेरे को पेन कर रहा था तो इसी कारण मैंने कंटिन्यू नहीं किया आज कंटिन्यू कर रहा हूँ आज है यहाँ पे थर्सडे है और एक्चुअली
आज बप्पू और उनका मामी आ रहा है, आज यहाँ पे हो। बप्पू का मामी को भी चेकअप वगैरह करना है उसको भी, और बप्पू को भी दिखाना है डॉक्टर को, क्योंकि उसका खुजली वगैरह होता है ना शरीर में, जो पूरा पूरा बोलते हैं हम लोग एक तरह का, वो छोटा छोटा करके उठ गया है, बहुत खुजली होता है कभी कभार रात को, तो रोता है बप्पू की वो खुजली होने के कारण, नींद नहीं होता है उसका, तो उसको भी दिखाना है डॉक्टर और उनका मामी को भी दिखाना है। और मेरे को आज तो मेरा ड्रेसिंग है, हम लोग थोड़ी देर में खाना खा के 9 बजे या 10 बजे जाएंगे हम लोग ड्रेसिंग करने के लिए। और सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह का है, अभी ऑलमोस्ट 8 बजने वाला है मेरे ख्याल से, आज तो धूप इतना नहीं देगा, देखो वेदर, क्योंकि आज बारिश है बोल रहा था यहाँ पे, तो इसी कारण आज इतना धूप दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो 7 बजे यहाँ पे बढ़िया करके धूप देखता है, देखो पूरा वेदर एकदम हवा हवा है, हर टाइम हवा ही चलता है यहाँ पे। ड्रेसिंग करने के बाद अमन खान को वेट करेंगे, अभी हम लोग जा रहे हैं साले साहब और मैं ड्रेसिंग करने के लिए। वैसे भी कितना आज है मेरे को टाइम एग्जैक्टली पता नहीं था यार, पे बारिश दिया है यार, अभी जस्ट बारिश दिया है, देखो रास्ता पूरा भीगा भीगा है, ये देख लीजिए। ड्रेसिंग वगैरह तो हो चुका है, मैं मुंह को घुमा के मैंने वीडियो बनाया है, वो थोड़ा बहुत दिखाऊंगा, लास्ट में दिखाऊंगा कैसा किया है, मैंने बोला है कि वीडियो बना सकते है, वो बोला है वीडियो बना सकते है, इसे बोल रहा था, तो बाहर में तगड़ा बारिश दे रहा है भाई, ये देखो बारिश दे रहा है यहाँ पे, मन का हम लोग तो पूरा मुश्किल हो जाएगा यार, ऐसे बारिश में आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। आज बारिश था, आपको बारिश दे रहा है ना, कल बोला था ना आपने बारिश होगा बोल के, और बारिश ही दे रहा है, देखो थोड़ा देर आगे से लेके आया साले साहब ने गैस में गैस, और 300 रुपया मांग रहा है, 250 रुपया दिया, इतना महंगा है ना, क्या बताएगा, देखो गैस लेके आया है हम लोगों ने। तो बप्पू लोग थोड़ी दूर पे है, मेरे को फ़ोन किया है बप्पू का मम्मी कि अभी थोड़ी देर में पहुँचेंगे, ऑलमोस्ट लुंगले के अंदर घुस गया है बोल रहा था, तो अभी मैं काउंटर में वेट करने के लिए जा रहा हूँ, अभी 2-3 मिनट लगेगा उसके बाद पहुँच जाएगा, तो अभी काउंटर में पहुँच गया मैं, अभी वेट कर रहा हूँ मन काम को, 5 मिनट ऐसे हो गया, अभी फ़ोन किया था जस्ट अभी पहुँचेंगे बोला था, फाइनली पहुँच चुका है बप्पू लोग, देखो पहुँच गया है बप्पू लोग, बप्पू को स्मार्ट देख रहा है रे बाबा, इधर जा 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 इधर, ये देखो उनका अभी पहुंच गया है, पैसा दिया है, दिया है दिया है, चलो चलते हैं, ये का ये दो हेलो पर्सन बच्चों को आवाज दे रहे, पूरा पूरा गंदा है ना बाबा, आपका साथ क्यों कचरा हो गया, क्यों कचरा हो गया, चलो चलते हैं, अभी चलते हैं मिलते हैं सीधा रूम पे दोस्तों। बापू क्या देख रहा है, गाय देख रहा है, सो गया था तू, पहुंच गया है मासी का रूम पे, और बापू आके ही देखो मैच वगैरह देख रहा है, बापा मेरे को हाँक नहीं किया आपने, मिला है 3 दिन हो गया हम लोग अलग है, और वहाँ पे कल वगैरह चल रहा है ना, बारिश दिया था भाई, और आप लोग को आने के टाइम में भी बारिश दिया था ना, बहुत जोर से दिया है वहाँ पे। अभी कैसा है तबीयत आपका, पेट को थोड़ा अभी ठीक है, फिर भी चेकअप करना ज़रूरी है ना, ये नहीं आ रहा था यार, मैंने इसको डाटा है, डाटा मतलब बोला इसको कि क्यों नहीं आते हो, ये नहीं आ रहा था, तो बाद में फाइनली डिसीजन लिया है कि आ गया, बापू को भी दिखाना है, ये इसका खुजली होता है ना ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग पूरा, और बहुत पूरा शरीर में है, अभी बापू भी पूरा चिकना हो गया, और ये भी चिकना है, और बहुत गर्म है यहाँ पे, बहुत ठंडा है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा, ये हवा हवा चलता है, देखो हर टाइम ऐसे ही हवा रहेगा, इतना अच्छा है यार यहाँ पे। नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ दोस्तों, और यहाँ का नजारा देखिए बहुत ही अच्छा लग रही है, और यहाँ पे ना इतना ठंडा लग रहे थे, और बारिश दिया ना इसीलिए पूरा ठंडा, मैं बोल रही हूँ सॉक्स लांगे, मन का पापा को बोल रहे है क्योंकि पाँव में बहुत ठंडा लग रहे थे, तो बापू को भी तो जैकेट लगा दिया था, पहले उसको गर्म पानी दिया है, गर्म पानी देने के बाद बापू के लिए नहा दिया है, तो उसके लिए जैकेट भी लगा लिया है। क्या कर रहे हो, हेलो बोलो, हेलो गाइस, ओ तो हम लोग अभी जाएंगे मार्केट में थोड़ा घूमने के लिए दोस्तों, और मम्मी पापा बापू को ना हम लोग मोबाइल देख के, मैं भी जाऊंगी बोल रहे, आप मोबाइल देखते रहना हाँ बाबा, हम लोग प्लानिंग किया था बापू को नहीं लेके जाएंगे, जब हम लोग गाड़ी से उतरा उस टाइम में गाड़ी देखा सीधा दुकान में घुस रही है, तो अभी जाएगा तो क्या क्या मांगेगा मालूम नहीं, तो मनोज का पापा मोबाइल उसको दे दिया ना, तो मैं बोल रही हूँ चुपके चुपके इसको सोड़ के जाएंगे मोबाइल देखे, लेकिन वो सुना है नहीं देखेंगे मोबाइल बोल रही है, चलो 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 बापू, बापू का चप्पल है ना बहुत भारी है, तो इसलिए उसका चप्पल चेंज करना पड़ेगा, हाँ
यहाँ से एक छाता देखा था दोस्तों सेकेंड हैंड, इतना महंगा है 350 रुपया सेकेंड हैंड का छाता, क्योंकि बारिश दे रही है ना, तो इसलिए हम लोग सोचा एक लेंगे करके सोचता है करके, लेकिन फास्टकैंड भी 350 में मिलता है, और लेकिन फास्टकैंड से ज़्यादा सेकेंड हैंड क्वालिटी अच्छा है। अभी नहीं लेंगे अभी नहीं लेंगे क्योंकि आपका ये देखना है ना, अभी सब कुछ काम होने के बाद ही आपको हॉस्पिटल दिखाना है, मेरे को दवाई लेना है, तब होने के बाद ही लेंगे ना, जब पैसा बच जाए। आया था पप्पू के लिए चप्पल देखने, लेकिन हम लोग रेस्टोरेंट में पूछा है दोस्तों, मम्मी का पापा बोल रहे हैं ना यहाँ पे जो चिकन लॉलीपॉप होता है वो खाने के लिए। पप्पू अलग मांग रहे क्या, बाबा क्या खाएगा? बर्गर, वहाँ पे फोटो में देखा है ना दोस्तों बर्गर, तो वहाँ से देख देख के बोल रहे मैं वो खाऊंगा करके। क्या कौन सा ओ देखो वो अलग आएगा बर्गर। चिकन लॉलीपॉप आया है दोस्तों, पहली बार जिंदगी में खाऊंगा मैं। और बर्गर भी उधर किया है, क्या आप खाएगा बर्गर? नहीं खाऊंगा, ये इसमें मिक्स कर देगा ये टोमेटो सूप है। टेस्टी है बाबा, खाओ बाबा खाओ। बर्गर खाएगा, बर्गर खाएगा भाई, बहुत ही टेस्टी है। खाओ, मैं बनाता हूँ खाओ। मैं तो यहाँ पे हो गया तो 3 बार हो गया, कल भी कहता हम लोग साले साहब और में, ये थोड़ा मिस करो। बाबा कैसा है, ठीक है? अच्छा वाला खा लो बाबा। तो पप्पू का बर्गर भी आ चुका है देखो, और कोल्ड ड्रिंक भी आ चुका है। कोल्ड ड्रिंक पिएगा आप? नहीं पिएगा। और वो फिनिश कर दिया है देखो चिकन लॉलीपॉप। आज थोड़ा कम मिला यार, पहले ज़्यादा देता था, आज मेरे को बहुत कम लगा वो। और पप्पू का बर्गर आप खाएगा? बर्गर चिकन का है वो। पप्पा खाओ, गिरेगा गिरेगा देख। एक्चुअली बापू ये लेगा, इसका पेट भर गया है क्योंकि रूम पे भी बहुत सारा खाया है इसने, मैगी और दूध वगैरह पिया है, तो इसलिए घर में लेगा। हाँ उसमें पूछो पर पार्सल करो। हम लोग खा लिया है दोस्तों, और ये फिनिश करो, फिनिश कर नहीं पाएगा वो तो ख़राब हो जाएगा ना। बापू का बर्गर पार्सल करेगा बोल रहा है, यहाँ पर नहीं खाएगा। तो सब कुछ खा लिया है दोस्तों, जो भी खाना था, इतना अच्छा लगा पेट भर गया। और बापू का बर्गर तो पार्सल करेगा नहीं, खाएगा तो कोल्ड ड्रिंक भी बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हुआ है देखो। तो बिल भी पे कर दिया है, अभी कहाँ जाते हैं देखते हैं। बापू तो बोल रही है मैं गाड़ी लेंगे गाड़ी लेंगे। चलो चलो चलो, बर्गर भी नहीं खाया, ऐसे ही मांगा है। ये ओनली मोबाइल में देखते हैं ना, सब मालूम होता है नाम देख के, ये देख के पहचानता है क्या क्या है करके। दौड़ दौड़ के आना पड़ा दोस्तों, क्योंकि बापू को पोती आ रहे हैं ना, तो इमरजेंसी हम लोग आया है घर में। अभी पास बस के कितना हुआ पता नहीं,
तो हम लोग खाना बना रहे हैं दोस्तों और खा रहे भी नहीं है। शाम का मौसम देखो, शाम का ऐसा ही होता है। बाप रे, ऊंचा ना व्यू बहुत बढ़िया है। ये तीनों इतना हल्ला करता है, इतना हल्ला करता है, बाप रे। और बापू को देखो आते ही ओ वाला सुना, ये अच्छा लगा। कब से जब से आया तब से इसको लगा के घूम रही है। तो दे दो इसका ही है। तो हम लोग बना रही है सब्जियां, क्या क्या तैयारी किया है दिखाती हूँ। ये तारा है दोस्तों, जमीन का तारा। यहाँ पे है बीन्स और ये है साजिना बोलता है ना, ये साजिना का जो बेंगलोर में जॉब था ना, जो बोट खाते थे हम लोग, और वहाँ पे किलो उस टाइम भी 120 रुपीज था मेरे ख्याल से, अभी बहुत ज्यादा होगा। पहली बार ये लुंगने में मिला है मेरे को, मैं जाने कितना में गर्मी भी लेके जाऊंगा, मेरा फेवरेट है, शीतल के साथ खाता हूँ। तो बैंगन और ये लौकी का पत्ते, लौकी मिक्स करके बनाएंगे। तो यहाँ पे दे दिया है, उबल रही है मनत का पापा का सब्जी। मछली लाया है मासी, और बेम्बू में देंगे हम लोग मछली को। और पता नहीं आग भी नहीं है, कहाँ देंगे कहाँ देंगे मासी, देगा गैस में देगा और कहाँ में देगा ना। मासी का हिंदी थोड़ा अच्छा है ना, बहुत बढ़िया खाने का। मेरा दोस्त को देखा है ना, खा देखा है, वो व्हाट्सएप में रखा है ना, इसलिए मैं आज उसको बुलाया, आज तो देगा पक्का, मैं भी खाएगा, खाने का बहुत दिल हो रहा है, इसलिए मैं आज लेके आया। मेरा दोस्त बोला है, उसने बोल रहा है थोड़ा सा इसलिए नहीं दिया है, ज्यादा होने से तो देना चाहिए, और लड़की को दिया है इसलिए मेरे को नहीं दिया है, सिर्फ आधा किलो में कितना दे, इतना मतलब नहीं है ना, उसका भी है वो, उसका तो घर में भी फास्ट है। मासी न्यूज हो रही है, यहाँ पे न्यूज दे रही है। ये देखो दोस्तों, ये तो देगा, ये तो भरा है, देखो ऐसे ही देगा, ऐसे ही खाना ही पड़ेगा। पहली बार देख रहा हूँ मैं गैस में, गैस में बेम्बू में पका रहे हुए पहली बार देख रहा हूँ। ठीक है, कोई कोई अगर मालूम नहीं है तो सीख, अभी देख के मालूम होगा, आप लोग भी दे सकते हो। मासी अभी इसका जुगाड़ू बना दिया है, लेकिन ये ना पूरा हिलता है, मुझे डर लगता है, डायरेक्ट ओपन ऑफ किया है मैं खाना बनाते बनाते। इतना लुंगले था उनमें भी खारन नहीं होता है ना, हम लोग का तो वहाँ पे है अभी भी खारन। उस दिन मैं बात कर रही थी ना, लाइट चला गया बोल रही, तो उस टाइम हम लोग का गांव में है खारन। अभी खाना खाने के लिए जाएंगे दोस्तों, और मेरे को बहुत भूख लग रहा है, शाम को मिले तो मन का, हम लोग देखा होगा जो चिकन लॉलीपॉप कहता था, लेकिन मैं नहीं खाया था, मेरे को थोड़ा बहुत भूख लग रहा है। ये ऑलमोस्ट हो चुका है, मशीनें जो बेम्बू के अंदर मछली बना रहा था वो उबल रही है, पक गया होगा शायद मेरे ख्याल से, और अभी खाने के लिए जाएंगे। साले साहब गया था, बोल रहा था वो हॉस्पिटल में किसी को लेके गया था, अभी तक आया नहीं उसने, उसको थोड़ी देर में फोन करेंगे, वो आने से खाना खाएगा, वो आने से हम लोग अभी खाएंगे। तो